है कि नहीं हुई है, तो काफ़ी प्रसन्नता है और काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं आपके चैनल का भी, जो इसे चला करके और इतना जल्दी ये सब काम मतलब कंप्लीट करवा दिया। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा था कि विगत एक दिन पहले यानी कि कल की बात करें तो वहाँ पर देखा ये गया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वाक्या है वो मोंडा नाला के आगे थारूबाग ग्राम फतेहपुर ग्राम पंचायत एताझर का है, जहां आप लोगों को बता दूं कि 230 केवी के हाई टेंशन तार जमीन पर छू रहे थे, जिसकी वजह से जमीन पर टच होने की वजह से कई सारे मवेशी और गौवंश की हत्या हो चुकी थी। हालांकि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे संपादक रोहित तिवारी के द्वारा वहां पर ग्राउंड जीरो किया गया, लोगों से बात की गई, वहां के जो ग्राउंड निवासी जो थे उनसे भी बात किया गया और बात करने के बाद पता चला कि कई बार मुझे यहां से हम लोगों ने लेटर दिया, लिख करके सूचना दिया, लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि तरंग 24 न्यूज के टीम के द्वारा उनसे बात की गई बिजली विभाग से और उनके द्वारा यह कहा गया कि अगले हम 2-4 घंटों में नहीं बल्कि 24 घंटे के अंदर मैं जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही करूंगा और वहां से बिजली के जो तार हैं या तो खंभे गड़वा के उसको ऊपर उठाएंगे या फिर वहां से तार काट लिए जाएंगे। जहां आप लोगों को बता दूं कि बातों के अनुसार खबर चली थी और खबरों का सिर्फ 2 घंटों में असर देखने को मिला और वहां पर 2 घंटों के अंदर ही पूरे तार को साफ करवा लिया गया। जहां आप लोगों को बता दूं कि अब कोई ऐसा तार मौजूद नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि कई सारे जो मवेशियों की जान गई थी या फिर आगे चल के हो सकता था कि कोई उसमें रात्रि काल में कोई भी इंसान फंस सकता था, जिसके द्वारा अब जो है तरंग 24 न्यूज की ये जो बड़ी पहल हुई जिसके चलते अब वहां पर ऐसा खतरा नहीं है जिसमें मवेशियों की जान या फिर आदमियों की जान जाए। अनिल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो इस खबर को चलाए और शासन के कान तक और बिजली विभाग के कान तक जो बात को पहुंचाना चाहते थे हम वो पहुंची और 24 घंटे से भी कम समय लगा, यहाँ तार वगैरह सारी कुछ हट गई हैं, काट दी गई हैं और बड़ी खुशी भी हो रही है। और मैं अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के माध्यम से जो ये काम कर रहा हूँ गौ माता के लिए, तो ये गौ माता का विशेषकर जो मौत हुई थी गौ माता की, तो वो आज भी निरीक्षण करने आया था कि क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है, तो काफ़ी प्रसन्नता है और काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं आपके चैनल का भी, जो इसे चला करके और इतना जल्दी ये सब काम मतलब कंप्लीट करवा दिया। ऐसे ही बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद।